अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक छोटा सा मैसेज है सारे एमडीकेटियंस के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो टिप्स इसमें मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक, आई विश यू गुड लक फॉर योर एमडीकेट। और इसमें कुछ बातें ये हैं कि सबसे पहले आपने जो चीज़ें साथ रखनी है वो आपको बताएं कि आपने अपना एमडीकेट एडमिट कार्ड, और उसके अलावा आपने साथ अगर क्लिपबोर्ड आपने लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट, और उसके अलावा आप लोगों ने एक सैनिटाइजर लाजमी रखना है, एक मास्क लाजमी रखना है, ठीक है, और चॉकलेट्स और अपनी बॉल पॉइंट्स एक्स्ट्रा 2-3-4 आपने लेके जानी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक वॉच होनी चाहिए जो कि डिजिटल ना हो, कोशिश यही करें, और आपके पास कोई कैलकुलेटर, कोई मोबाइल, कोई चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि उसे घर में ही रख के जाएं, आपको जरूरत नहीं सेंटर में लेके जाएं, ठीक है। तो ये चीजें आपने साथ लेके जानी है। इसके बाद आपने जो पेपर सॉल्व करना है, तो पेपर ये कि सबसे पहले आपके पास पेपर आएगा तो ये नहीं कि आपने पूरा पढ़ने बैठ जाना है, या आपने जो है सबसे पहले सोचना शुरू कर देना कि मैं क्या करूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने बायो वाले पोर्शन को पकड़ना है, सबसे पहले आपका काम यही है, आपने किसी और पोर्शन को नहीं छेड़ना, ना आपने देखना जी कैसा पेपर आया, मुश्किल है, आसान है, बाकी क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और आराम से आपने क्या करना है, पेपर ओपन करना है और पेपर आपने बायो का शुरू कर देना है। आपको जितने एमसीक्यूज आते हैं आपने वो करने हैं, आपने 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है, नंबर 1 इजी पोर्शन, नंबर 2 इंटरमीडिएट पोर्शन, और नंबर 3 डिफिकल्ट पोर्शन। ये आपके पेपर का पोर्शन होंगे। सबसे पहले आपने जो बायो का करना है, जो वन क्लिक आंसर है ना, जो आप 10-20 सेकंड में करते हैं आंसर, आपने वो करने है। लाइक आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आंसर आया, ओके, आपने फौरी तौर पे सॉल्व कर दिया और उसके बाद फिल कर दिया, ठीक है। ये आपका वन क्लिक आंसर है। फॉर एग्जांपल आप बायो के जो है आपसे 50 सॉल्व हो जाते इस तरह। फिर आपने फिजिक्स की तरफ जाना है या केमिस्ट्री, जो आपको इजी लगता है दोनों में से, वो केमिस्ट्री कर लें ज्यादा बेटर है, केमिस्ट्री की तरफ जाएं, फिर आप फिजिक्स जाएं, फिर इंग्लिश जाएं, या इंग्लिश और फिजिक्स, जो भी आपने सीक्वेंस रखना है। बट आई रिकमेंड कि बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश, ये आप रखें मेरे मुताबिक। बट आप इंग्लिश और फिजिक्स का चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो सबसे पहले वन क्लिक आंसर। फॉर एग्जांपल आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश किया, आपके 200 में से, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग के लाइक आपके सही हो जाते हैं 120 या 130 आपने कर लिए, ठीक है, फर्स्ट क्लिक में। फिर आपने इंटरमीडिएट की तरफ आना है, जो कि एक दफा पढ़ के थोड़ा सोचने वाले हैं या फिर सॉल्व करने वाले, आप उनको सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल पहले जो आपने पढ़े 200 एमसीक्यूज पढ़े, आपको उस पे 20 सेकंड लगे हर एमसीक्यूज के लिए, तो आपने 20 सेकंड के हिसाब से वो टाइम अलग कर लिया, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट आपका जो है वो बनता है 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के अंदर आप वो इजीली कर सकते हैं 120-130 एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड वाले की तरफ आना है, जो कि इंटरमीडिएट, उस पर फॉर एग्जाम्पल आपको 40 सेकंड लगते हैं, नो इशू, आपने 40 सेकंड के अकॉर्डिंग वो वाले आंसर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास 30 एमसीक्यूज हैं या 40 एमसीक्यूज हैं, तो उसके लिए आपको 20 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, तो 20 मिनट्स आपने उसको दिए। फिर आपके पास डिफिकल्टी बस बच जाएंगे, वो थोड़े से होंगे, 20 होंगे, 25, तो आपके पास एम्पर टाइम होगा 2 मिनट्स एक एमसीक्यूज के लिए, 1.5 मिनट, और जो लास्ट में बहुत डिफिकल्ट बचेंगे उनमें 3-4 मिनट भी आपके पास होंगे। सो यू हैव टू सेव योर टाइम। पहले आपने ये नहीं कि जो मुश्किल है उसको बैठ जाना है और उसी को सोचते रहना, नहीं, एक दफा पढ़ने से नहीं समझ आया उसको छोड़ दें, बस दैट्स इट, 5 सेकंड में स्टेटमेंट पढ़ी, आंसर नहीं समझ आया, छोड़ दें उसे, उस पर टाइम वेस्ट ना करें, पहले क्लिक वाले करें, उससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप में जो छोटी मोटी वो टेंशन वाला फैक्टर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पेपर शुरू होने से पहले आपने दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और एक दुआ जरूर पढ़नी है, ये मैं हमेशा पढ़ता हूँ, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, ये दुआ जरूर पढ़नी है, इसका बहुत बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। मैंने खुद ये हर एग्जाम से पहले पढ़ता हूँ, तो आपने ये दुआ पढ़नी है, पेपर स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका पेपर होगा।
और आपने कोई भी इशू हो दरमियान में, आपने ये नहीं कि इधर देखना उधर, आपने अपने पेपर पे कंसंट्रेट करना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो एग्जामिनर से पूछ लें एक दफा, बस टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। अपने पास वाटर की बॉटल रखें, चॉकलेट्स साथ में लेके जाएं, बिस्किट वगैरह थोड़े से अगर हो सकते हैं बट चॉकलेट्स बेटर होती हैं वो लेके जाएं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।